मालेगांव। 12 नवंबर तशद्दुद मामले में डीवाईएसपी स्कॉट की कार्रवाई, अज्जू लस्सनवाला और अमन बेग गिरफ्तार। 12 नवंबर को शान रिसालत महाबे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ पुरअमन मालेगांव बंद की कामयाबी के बाद फूट पड़े मालेगांव तशद्दुद मामले में पुलिस को कई नौजवानों की तलाश थी। इसमें मालेगांव पुलिस इंतजामिया की जानिब से मौसला तफसीलात के मुताबिक शेख अकरम शेख आरिफ उर्फ अज्जू लस्सनवाला और अमान सिराज बेग उर्फ अबू नामी शख्स को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली मालूमात के मुताबिक शेख अकरम उर्फ अज्जू लस्सनवाले को कल रात अज्जू लस्सनवाले को सुपरमार्केट के पास से गिरफ्तार किया। डीवाईएसपी तेजबीर सिंह सिंधु स्क्वाड ने अज्जू लस्सनवाले को गिरफ्तार किया, जबकि इसी स्क्वाड ने आयशा नगर पुलिस स्टेशन की हदों से अमान सिराज बेग नामी शख्स को भी गिरफ्तार किया है। आज बरोज मंगल 20 दिसंबर को दोनों मुलजिमान को कोर्ट में पेश किया गया और 2 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई। सिटी पोल्यूशन CR नंबर 74/2021 में उसको पेश किया गया था। पुलिस ने उसमें 7 दिन का रिमांड मांगी थी, जिसमें से हम लोगों ने इस तरीके से कोर्ट को बताया कि भाई CR नंबर 74 में काफ़ी लोगों को एंटीसिपेटरी बेल हाईकोर्ट ने ग्रांट किया हुआ है। पुलिस ने इसमें चार्जशीट फाइल किया है। मालेगांव कोर्ट ने रेगुलर बेल भी बहुत सारे आरोपी के ग्रांट किए हुए हैं। इसके लिए इसकी फिजिकल कस्टडी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 23 तारीख तक उसको PC में रखने का ऑर्डर किया हुआ है। और CR नंबर 76/2021 में अमान बेग नाम का एक शख्स भी गिरफ्तार किया गया, उसके भी पुलिस ने 7 दिन की कस्टडी मांगी थी। उसमें भी मैंने बताया कोर्ट को कि भाई FIR के अंदर इस बंदे का नाम नहीं है, और अभी तक पुलिस ने 12 लोगों को इसमें अरेस्ट की, लेकिन किसी के पास से भी कोई भी चीज़ की प्रॉपर्टी जब्त नहीं है। इसीलिए इसके पास से भी प्रॉपर्टी कोई जब्त करना नहीं है पुलिस को। फिजिकल कस्टडी देने के ऊपर मैंने स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लिया, कोर्ट ने उसने 2 दिन की पुलिस कस्टडी ग्रांट की है।